अर्जुन विवेकवान था, किसको सरेंडर किया? भगवान श्री कृष्ण सरेंडर किया, शिष्यस्ते हम साधि माम प्रपणम, मैं आपका शिष्य सरेंडर्ड शिष्य हूँ। कैसा शिष्य? हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें दो वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है कि मैं शिष्य हूँ और कैसा प्रपणम सरेंडर्ड शिष्य। शिष्य भी अलग अलग टाइप के होते हैं, बहुत शिष्य होते हैं जो नॉन सरेंडर होते हैं पूरा जीवन, तो शिष्य रह जाते हैं मतलब नॉन सरेंडर्ड होते हैं। क्या होते हैं? मैंने एक अभी आर्टिकल बड़ा अच्छा पढ़ रहा था मैं, आई लाइक इट वेरी मच, उसमें यही आया, उसमें कहा हरे कृष्ण महामंत्र तुम्हें वापस नहीं ले जाएगा, उसने कहा सिर्फ सिंसियरिटी तुम्हें वापस ले जाएगी। क्या ले जाएगी? ओनली सिंसियरिटी विल टेक यू बैक, सिंसियरिटी टू योर गुरु विल टेक यू बैक, बिकॉज गुरु ने कहा है चैंटिंग करना, इसलिए कर रहा हूं। सिंसियरिटी, सिंसियर में बहुत चीजें आ गई। आर यू सिंसियर टू अटेन द हाईएस्ट? क्या आप सिंसियर हो उस परम को प्राप्त करने के लिए, या इस बार बार इस भौतिक जगत के अंदर आपको इंटरेस्ट है जन्म लेने का, मरने का, फिर अगले जन्म में अलग अलग रिश्तेदार, फिर वो आपको दरार पैदा करते हैं आपके अंदर, ये पसंद है आपको कि आपको अपना आपको आपका सिंसियर हो क्या, आपको वो उच्च चीज चाहिए, तभी तो सिंसियरली जपोगे। व्यक्ति प्रभु जी सिंसियर बहुत बड़ा वर्ड है, ये गंभीरता, अभी तो गंभीर ही नहीं हो, पहले तो लक्ष्य के प्रति गंभीर होना चाहिए, तभी तो लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयास जो होगा तरीका होगा तभी तो गंभीर होगा उसके प्रति। आईआईटी किसी को गंभीर है कि मुझे आईआईटी में आना है, तभी तो वो उसके अंदर प्रयास करेगा आने के लिए, अगर वो ये आईआईटी में आ जाएंगे नहीं आएंगे तो क्या होगा उसको बताइए आप, मुझे आएगा नहीं हो। मैं जानती हूँ, मैं तो थोड़ा सा स्पष्ट, थोड़ा सा नहीं पूर्ण स्पष्ट व्यक्ति हूँ, मैं झाड़ू नहीं मानता, मारता हूँ, वैक्यूम क्लीन करने के चक्कर में रहता हूँ, धोना नहीं ड्राई क्लीन करना, क्या कि बचे ही ना था, सिंसियर नहीं हूँ, नहीं हूँ अभी आपको ये सिंसियर नहीं, आप वो उच्च को प्राप्त, ठीक है दिस इज अच्छी चीज़ है, कर लेनी चाहिए, ये सिंसियरिटी नहीं, सॉरी दिस इज नॉट सिंसियर। सही बात है गलत बात है? देखिए आपको अपनी, मैं मेरी काम है आपको बताना कि बीमारियाँ क्या हैं। मुझे एक डिवोटी ने बताया था, मैं जब शुरू में आया था उसने बताया था कि भैया बड़ा अजीब है ये आध्यात्म जीवन, इसमें खुद का थर्मामीटर खुद के पास ही है, खुद का ब्लड प्रेशर मीटर भी दूसरा देख ही नहीं सकता। इट इज़ अ साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, बहुत बड़ा वर्ड है ये, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, स्वयं को जानना, आत्म साक्षात्कार, क्या आप में वो सिंसियरिटी है, उसको गंभीरता है उसको प्राप्त करने के लिए, तो सही बात कही ना, गंभीरता ही आपको भगवत धाम ले जाएगी, सही बात है कि नहीं है बताइए। चांटिंग कैसे ले जाएगी आपको वापस? अब चांटिंग कर क्यों रहे हो, कितने गंभीर हो आप उसको प्राप्त करने के लिए। वो पूछते हैं, भगवान साहब पूछते हैं क्या देगा बीमारी, अपनी सारी बीमारी देने को तैयार है? मैं स्वस्थ व्यक्तियों को वापस ले जाता हूं, बीमार व्यक्तियों को नहीं ले जाता। तो भव रोग से पीड़ित है, किससे? मैं तुझे सिर्फ बता सकता हूं कि क्या करके तू भव रोग से अपनी पीड़ा खत्म कर सकता है जिसके कारण कि तू वापस आने लायक रहे। एक अच्छा डॉक्टर क्या पेशेंट को हॉस्पिटल से छोड़ देगा अगर वो पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हो? नहीं छोड़ेगा। उसके लिए बेटर प्लेस आपको बताऊं क्या है? पागलखाना। पागलखाने से भागता भी है तो पकड़ के ले आते वापस, हॉस्पिटल से तो चला जाएगा, बिल पे वगैरह में जाना है जा सकता है, तो पागलखाने से नहीं। तो हमारी बीमारियां भवरोग कौन सा बताऊं? पागलपन का। हमारा भवरोग क्या है? पागलपन। पागलपन का मतलब क्या? वो कैसे कनेक्ट करोगे कि मैं अपने आप को भूल गया हूं? मैंने आपको बता रखा है, आपने 14 घंटे बताया हुआ मैंने कि जो व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है उसको पागल कहते हैं। तो हमारा भवरोग है क्या? पागलपन। भगवान कहते हैं पागलों कैसे ले जाओगे वैकुंठ पे, पहले तो पागलपन सही कर। और उसको चेक कौन कर रही है? माया देवी। कौन देख रही है? माया देवी देख रही है। आपको इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगते लाइफ के अंदर? जितना व्यक्ति ज्यादा आसक्त होगा उसके इलेक्ट्रिक शॉक उतने ही बड़े होते हैं। सही बात है गलत बात है बताइए आप मुझे। दुख शॉक क्या है? इलेक्ट्रिक शॉक क्या है? दुख। उतने ज्यादा दुख नहीं होते, जितने आसक्त, जिस चीज से भी जितना ज्यादा आसक्त होगा वो आपको उतना ही दुखी करेगा, उतना ही आपको बड़े इलेक्ट्रिक शॉक देती है माया देवी। क्या करती है? क्या भाई निकल? परंतु हम तो समझते हैं क्या ये तो पार्ट है, कई लोग नहीं बोलते, अरे ये दुख और सुख तो पार्ट है। हाँ पागलपन में तो है ही पार्ट, तुझे रोज चैम्बर में ले आके घंटे के लिए इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं। पागल तो यही सोचता है ये तो मेरा ब्रेकफास्ट है। क्या अबे बेवकूफ, ये दिए इसलिए आते हैं कि तू निकले यहां से, और हम उसको क्या समझते हैं? पार्ट ऑफ लाइफ। क्या अकलमंद लोग हैं, वाह वाह। इसीलिए सिंसियरिटी। समझ में आया प्रभु जी?
मेटीरियल वर्ल्ड में ही प्रभु जी ध्यान रखना, रहने के लिए आपको सिंसियर होना पड़ेगा, मेटीरियल वर्ल्ड में ध्यान रखना। द पीपल हु आर सिंसियर टुवर्ड्स देयर मेटीरियल गोल विच इज एक्चुअली नॉट अ गोल दैट इज यूजलेस, वही तो मेटीरियल लाइफ में भी सक्सेसफुल होते हैं, नहीं है? हो सकते हैं क्या दूसरे? हम तो, हमारे को तो पता लगा, हम तो पागल की तरह घूमते रहते हैं इधर, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इस जन्म कभी वो जन्म, बस भगवान भी तो पूछ रहे हैं, बोलते हैं पागलपन छोड़ने को तैयार है, इलाज तो मैं बता रहा हूँ, लेना तुझे पड़ेगा। नहीं जी, मैं पागल ही ठीक हूँ, खाता रहे शौक। जब ये हर के जीवन में ध्यान रखिएगा, अच्छा और बुरा टाइम हर के जीवन में, एक भिखारी भी होता है ना प्रभु जी, रोज उसको अगर 20 रुपये मिल रहे हैं और एक दिन उसको 40 मिल जाते हैं, वो अच्छा दिन होता है उसके लिए, होता है? एक कुत्ते को हड्डी के साथ गोश्त जिस दिन मिल जाता है, उस दिन उसकी ज़्यादा बड़ी पार्टी होती है। ये जानबूझकर है, क्योंकि जब वो आप सुख अनुभव करोगे तभी तो दुख का मजा आएगा। माया देवी कहती है, मैं दे दिया कर थोड़ा सा और फिर खींच लिया कर, मजा आएगा। दैट इज वाई नहीं कहते, अंग्रेजी में कहावत है लल बिफोर द स्टॉर्म, है ना, देयर इज अ लल बिफोर द स्टॉर्म, एकदम शांति हो जाएगी, फिर आएगा बवंडर। प्रभु जी, जितनी ज्यादा शांति होगी उतना बड़ा बवंडर आएगा।